पिछले कई दिनों से इंदौर और उनसे आसपास जिलों में बारिश हो रही है। प्रशासन द्वारा नदी तालाब में लगाए प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध के मद्देनजर इंदौर के कई बड़े पंडालों ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन पंडाल में ही करने का तय किया है, जिसके तहत आज टैंकरों से पानी लेकर पाइप के माध्यम से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। दरअसल बारिश से उफान पर आ चुकी नर्मदा नदी में प्रशासन द्वारा पूर्व से ही प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब हादसे की आशंका को टालने और प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से कई पंडालों में विराजित किए गए हैं। भव्य मिट्टी की गणेश प्रतिमा को पंडाल के अंदर ही श्रद्धालुओं की मदद से विसर्जित किया गया। हालांकि इंदौर के पिछले साल भी कुछ स्थानों पर इस तरह विसर्जन हुआ था, लेकिन भोपाल में हुए हादसे के बाद इस तरह से विसर्जन को भी विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। Let's go!